चलेगा किसी के चैनल पे जब कुछ नहीं समझ रहा है ना किसे नीचे करते हैं पहले यहाँ देखिए उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें बदलनी पड़ी और सारा क्रेडिट जाता है हमारे डायरेक्टर रंजीत जी को, इन्होंने एक लगातार मुझे मोटिवेट किया, इसलिए मैंने लुक चेंज किया और इसके साथ में क्योंकि ये कॉमन मैन की कहानी थी और अच्छी बात ये थी कि हमने जो शूट प्लान किया था वेट इस फिल्म के लिए 10 से 15 वेट लूज इसने किया और पूरा गेटअप के लिए एक साल पहले इसने तैयारी की ताकि इसमें जो कैरेक्टर था मजदूर का कैरेक्टर है जो राम भजन टाइटल है एक मजदूर है वो तैयार है जो इसके लिए तैयारी करना था जिसको लुक बनाना था और ये एनएसडी से एनएसडी में टॉप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो दिल्ली है इनसे यहाँ से टॉप ये टॉप है वहाँ से और जब मैंने अभय को कास्ट किया तो मुझे ऐसा ही लगा कि यार कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि प्रॉपर हीरो नहीं देखनी चाहिए फिल्म का हीरो नहीं चाहिए था एक कैरेक्टर चाहिए था जो कि कॉमन मैन से रिफ्लेक्ट करे जो मुझे अभय में दिखा और इसने बखूबी बहुत अच्छा निभाया ओम जी भी बहुत अच्छा है ओम पुरी कुलभूषण खरबंदा आप पहली बार कुलभूषण जी को एक कॉमेडी एक सटायरिकल वे पे आप देखेंगे जगदीप साहब को पहली बार आप राजा इसमें बनते हुए देखेंगे कुल जी ने कमाल का रोल इसमें किया है कुलभूषण खरबंदा मतलब फैबुलस रोल एंड ओम जी इज़ वेरी नाइस और अच्छी बात फिल्म की ये थी कि क्योंकि जिस तरीके की कहानी थी फिल्म थी हमने कोई सेट नहीं लगाया फिल्म का सारा हमने रियल लोकेशन पर शूट किया और इत्तेफाक से ऊपर वाले की दया से मेरे जो को एक्टर मेरे सीनियर हैं ओम जी
ओम जी अपने आप में अप्रतिम अभिनेता हैं, तो उनके और अच्छा अभिनय आप तभी कर पाते हैं जब आपका को एक्टर बहुत अच्छा हो, क्योंकि एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्टिंग एंड रिएक्टिंग, तो इफ़ यू गेट द राइट रिएक्शन देन यू कैन गिव द राइट एक्शन। तो हम ओम जी के साथ मिलके रंजीत जी ने लगातार हमको कोक्स किया, तो हम सीन की पहले प्रिपरेशन कर लेते थे ओम जी के साथ बैठ के, हम घंटों बैठ के सारे सीन, जब हम सेट पे जाते तो ऐसा नहीं होता था कि भाई क्या लाइन है, हम वेल प्रिपेयर्ड होते थे इस तरीके से। और लगातार रंजीत जी के अच्छे गाइडेंस थे, वो हमें पहले बताते थे कि मुझे ये चाहिए, और कोई जल्दबाजी नहीं होती थी शूट करने की, वो आराम से हमें टाइम देते थे कि आप टाइम ले लीजिए, देखिए कि किस तरीके से एक डेब्यू फिल्म, एक डेब्यू डायरेक्टर के लिए फिल्म सब्जेक्ट लेना बहुत ही अभी ज़रूरी था। ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट को बहुत रियल लोकेशन में करना था शूट, लखनऊ बाराबंकी एक गांव है बाराबंकी में जहाँ पे हुआ है शूट, रियल लोग, मतलब पब्लिक को बिना बताए कैमरा रख के हम लोग ने भगाया उसको। हाँ, बहुत ही कमाल वे पे भगाया बंदे ने, बहुत अच्छा अच्छा वे पे किया हुआ। और ये मेरी पहली डेब्यू है, इससे पहले मैं बहुत सारे लोगों साथ काम किया हूँ, एक इम्तियाज़ अली के साथ असिस्ट में किया हूँ, मैंने बहुत सारे टीवी शोज़ किया, रिसेंटली आप रज़िया सुल्तान देखते होंगे, बेगूसराय देखते होंगे, उस पर काम किया है मैंने, डायरेक्ट किया है। ये मेरी पहली डेब्यू फिल्म है जिसको काफ़ी टाइम से कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे स्क्रिप्ट को रंजीत जी ने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट करेक्ट तरीके से ना कर पाएँ, तो अच्छे स्क्रिप्ट के भी बैंड बच जाता है। जितनी अच्छी स्क्रिप्ट थी रंजीत जी ने उसी तरीके से फिल्म को पूरा समझ के, स्क्रिप्ट को पूरा समझ के, वैसा का जैसा स्क्रिप्ट जो सजेस्ट कर रही थी, टेक्स्ट के अलावा जो सब टेक्स्ट सजेस्ट कर रही थी फिल्म, उसको उन्होंने शूट किया और रियल लोकेशन पे था, बड़ा अच्छा। ओमपुरी ने आज तक 10 मिनट का सीन पहले श्याम जी के फिल्म में करते थे, अभी बीच में पिछले 15 साल से कोई ऐसा कभी नहीं किया है। इन्होंने पहला जब मैं उनसे मिला, बोला रंजीत मुझे ऐसा सीन देना कि मैं छोटे छोटे सीन में करूं, वन शॉट लेना मत मेरा, मैं क्लोज लेना, ये लेना। तो मैंने उनको बोला ठीक है सर हो जाएगा, तभी मैं तुम्हारे साथ करूंगा फिल्म। मैंने कहा ठीक है सर, हम लोग वन शॉट लेंगे नहीं। जब मैं सेट पे गया, मैंने उनको मैंने बोला सर कि एक ये 6-7 पेज का सीन है और वन शॉट है, फुल स्टडी कैम्प है, पूरा गांव में किसी को बताना नहीं, वहाँ से आप लोग चलते हुए आ रहे हैं। वो परेशान हो गया, यार कैसे बात कर रहा है तुमसे, तो मैंने बात किया था या नहीं सर, एक बार करो से। हम लोग ने बूस्ट किया, अभय ने बहुत कोशिश किया उसमें रिहर्सल करने के लिए, और बिलीव बहुत सारा बिलीव, क्या काम किया, वन शॉट 10 मिनट के सीन में। ओम जी भी बहुत अच्छा काम किया, मतलब ओम जी को जितना आप, ओम जी के बारे में तो क्या कहें, कह रहे हैं ओम जी हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर हैं, लेकिन इस फिल्म में आप ओम जी को एक डिफरेंट रूप में देखे हैं। बहुत ही ओम जी की अच्छी बात है कि ओम जी उस कैरेक्टर में ना ढल जाते हैं और बड़ी आसानी से, एफर्टलेसली। तो आमतौर पर एक्टर्स को बड़ा कॉन्सनट्रेट करना पड़ता है कैरेक्टर के अंदर जाने के लिए, 50 चीज़ें जतन करने पड़ते हैं, ओम जी इतने आसान हो चुके हैं कि वो, रंजीत जी ने इशारा किया, वो स्लिप हो गया कैरेक्टर। आपने जैसा कि कहा कि आपने अपना वेट भी लूज़ किया है, आपको पर्सनली कितना वर्कशॉप करना पड़ा, जिस तरह की स्क्रिप्ट की बातें कर रहे हैं, जिस तरह से मेरी सबने अपने अपने किरदार पर अच्छा वर्क किया, आपको कितना वर्कशॉप करना पड़ा अपने किरदार के लिए? वर्कशॉप के लिए हमने ऑलमोस्ट 1 ईयर प्रिपरेशन 1 साल की थी, हम सीन सारे रिहर्स करते थे ऑफिस में। मैंने उनको बोला बॉस तू, तुम्हारा काम है सुबह उठो, तैयार हो जाओ और जहाँ पे मजदूरों की जहाँ पे एरिया है वहाँ जाओ, वहाँ रहो। और ये सुबह उठता था, वहीं पे जाकर रहता था, उनकी एक्टिविटी देखता था, उनकी चीज़ें देखता था, बहुत यूपी में बहुत घुमाया अकेला वो, क्या सोचते हैं वो, क्या सोचते हैं, क्या थॉट है, क्या उनकी फैमिली है, फैमिली में क्या थॉट होते हैं, इन घरों में लोग वो रहते हैं कैसे, उनकी फैमिली की अपडेट में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अपनी फैमिली सर्वाइव करने में, वो सारा मैंने ऑब्जर्व किया। रंजीत जी ने लगातार मुझे कहा पेंटिंग करना भी सीखा, पेंटिंग करना सीखा दीवारों पे, क्योंकि पतैये का रोल था, उसके 5 बच्चे हैं। उनके साथ मैंने असिस्ट किया है, उनकी तरह कोई बड़े बैनर की बड़े स्टार के साथ है अभी? हाँ, फ्यूचर प्लान है और ये सितंबर अक्टूबर में पता आपको चल जाएगा मीडिया। अभी नहीं बताएंगे, अभी एक्सक्लूसिव है, जो भी है बता लेकिन चल जाएगा। ये हमारे प्रोमो एडिटर है, जो आपने प्रोमो देखा इन्होंने ही काटा है, पार्थ भट्ट नाम है, इसने बहुत बड़े बड़े फिल्म्स प्रोमो एडिट किया है इन्होंने, और काफ़ी अच्छा है सर। टीम वर्क, कब मैंने सुना है कभी मैं से पिक्चर नहीं बनती है, हमसे पिक्चर बनती है सर, टीम वर्क। एनर्जेटिक ट्रेलर था आपने जिस तरह से कट किया है, एडिट किया है, लगा ही नहीं इतने मिनट
कुछ ही मिनटों में इसमें इसमें कंटेंट अच्छा था, मटेरियल अच्छा था, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा काटने के लिए। डायलॉग्स थे तो मेन, जो मेन क्या होता है, तुम ट्रेलर में कुछ भी नहीं होगा तो तुम काटने में एडिटर बोर हो जाएगा, तो कंटेंट होना चाहिए, सब शॉर्ट्स होने चाहिए। इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि टीम वर्क से पिक्चर बनती है अच्छी से। थैंक यू। जो गरीब लोग जो भी हैं, वो आम जो भी परेशानियाँ आती हैं या उनके साथ हादसे गुजरते हैं, उनको कितना सीरियस लेते हैं वो लोग, कभी आगे सोचते नहीं कि इस छोटी सी बात को कितना आगे जाएगा इंसान, और वो कैसे कैसे आगे फंसते जाते हैं। सीधा साधा एक इंसान जो कि इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूमती है, ये वो करेक्टर है रिया, ऐसा करेक्टर ये कर रहे हैं, और बाकी डायरेक्टर्स क्या दिनेश मिश्रा जी हैं, डायरेक्टर जी को काटे या बताते हैं। चलिए, आपका किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ किरदार है आपका इस फिल्म में? हम बता देंगे तो तुम आओगे नहीं ना, थोड़ा बहुत थिएटर में तो नहीं आओगे। देखिए, किरदार के बारे में जब डिस्क्लोज करने अच्छा नहीं है जब तक कि उसे पूरा तरीके से, बस मैं एक शॉर्ट लैंग्वेज में और शॉर्ट लाइन में ये कहूँगी कि रिया का जो कैरेक्टर है जो हम प्ले कर रहे हैं, वो एक ऐसी लड़की है जो कह नहीं सकती कुछ, उसकी बेचारी की जबान नहीं है, उसके शब्द नहीं है उसके, बट उसके ऊपर जो ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो ऐसे बुरे बुरे हालात से गुजरती है कि वो काफ़ी, उसके साथ काफ़ी बुरे बुरे हादसे होते हैं, वो उसको इंसाफ चाहिए और वो कैसे कहे, तो वो रिया जो कैरेक्टर है वो बिना जबान के कैसे पब्लिक तक इन देंस आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी, वो कैसे पहुंचाते हैं लोगों तक और अपने आप को उस भंवर से निकाल के उसको कैसे इंसाफ मिलता है उसे, ये उसके ऊपर है पूरी कहानी। जी बिल्कुल, हम पोस्टर में देखें राजकुमार राव है और ऋतुपर्णा सेन गुप्ता है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ में, जरा कुछ बताइए। अभी तो फिल्म शूट होना बाकी है, अभी तो शूटिंग बाकी है, अभी तो जस्ट हम फ्लोर पे जाएंगे, क्योंकि वैसे भी हाँ सबके डेट्स अपने अपने होते हैं, सबके अपने अपने डेट्स है, कभी हमारे कभी उनके कभी उनके कभी उनके, तो अब जब सब है एक में है इस जगह पर, लेकिन उनका जो करेक्टर है वो डिफरेंट है टोटल, अब तक जो करती आई हैं वो उसका जस्ट अपोजिट मिलेगा, हाँ उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, सिर्फ डांसिंग नहीं मिलेगा उसके अलावा भी उनको एक्टिंग परफॉर्मेंस मिलेगी। आइटम सॉन्ग होगा आपका, आइटम सॉन्ग अभी तक आप लोग ठीक
जैसे मैंने आप लोग को पहले भी कहा कि कोई भी इंसान अगर शब्द से अगर कह सकता है तो वो जो चीज़ें होती है, वो जो डिमांड होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, वो तुरंत हो जाती है। पर जिस इंसान के पास जबान, ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनके पास ऊपर वाले ने नहीं जबान दी है, तो सोचो जस्ट इमेजिन वो कैसे जीते हैं लाइफ। हम तो सिर्फ चंद घंटों के लिए वो एक्ट करेंगे, पर जिनके पास हकीकत में नहीं है तो जस्ट इमेजिन वो कैसे जीते हैं। वो एक्टिंग करना इज नॉट अ वेरी इजी जॉब, यू नो दैट इज़ अ वेरी टफ जॉब, और वो मैं कर रही हूँ। मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डांसिंग, डांस करना, ये सब कर अभी तनिषा सिंह को अब तक आप लोग ने बहुत ग्लैमर, बहुत हॉट और बहुत देखा, पर तनिषा सिंह को एकदम सिंपल, सोबर, वाइट कलर के सलवार सूट में, एकदम सादी सी चोटी, यू नो, तो वो रूप देखा है, तो आप ये रूप भी देखिए। ठीक है, हम डेफिनेटली आपका नया रूप हमें देखने को मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सबके शुक्रगुजार हैं कि अच्छे अच्छा प्रोजेक्ट दिया है उन्होंने और अच्छा काम किया। ये पॉलिटिकल सटायर है, तो जब फिल्म रिलीज होगी जब दर्शक देखेंगे इस फिल्म को, जो भी होता है पॉलिटिक्स में, जो इम्पोर्टेंट होता है सोसाइटी को इसे एक्सप्लॉइट करते हैं, पॉलिटिशियन इस सबके बारे में कुछ इंस्पिरेशन लेंगे, लोग समझेंगे इस बात को। राम मंदिर जिंदाबाद का जो मेन थीम है वो यही है कि सारी दुनिया तो ले रही है, पैसा लूट रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान जो है उंगली उठाता है दूसरों पर कि उसने करप्शन किया, इसने इतना पैसा लूट दिया, उसने पैसा लूटा, लेकिन उसके अंदर सबसे पहले तीन उंगली अपने ऊपर भी जाती है कि अगर हमने आज उनको इस लायक नहीं बनाया होता ना तो शायद ये लूट नहीं करते। तो सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए कि हम बदलेंगे तो ही जग बदलेगा। और प्रोड्यूसर के तौर पे किस तरह फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट आप सपोर्ट करेंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे आप? डेफिनेटली मेरी जो सोच है या जो भी हमने बड़ों से सीखा है या जो भी है वो ये है कि मैसेज हम दें पब्लिक को और एंटरटेनमेंट भी हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैसेज हो, लेकिन आजकल जो भी है टाइम पास वाला मामला नहीं है, लोग 200-250 रुपये खर्च करके आते हैं, तो डेवलपमेंट को मदद भी आना चाहिए 2 घंटे 2 घंटे, लेकिन साथ साथ दुनिया को मैसेज भी दें, क्योंकि बड़े बूढ़े हमारे तो बोलते गए हैं कि भाई फिल्म जो है वो समाज का आईना होती है, तो समाज का आईना होती है तो समाज को हम वो दिखाएं जो समाज करना चाहे, यदि वही करेगी जो हम दिखाएंगे, या हम लोग जो भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं और उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसी मैसेज ना दें जिससे कि समाज हमारा नीचे की तरफ जाए और समाज को सीखने को मिले। बस यही हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे जितने भी बड़े सीनियर बड़े बूढ़े हैं, और इस फिल्म के ज़रिए भी हमने यही कोशिश की है कि समाज को सुधारने के लिए कि उनका एक मैसेज जाए कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, और अगर हम लोग यही सोचें कि हम लेंगे तो शायद है ना, तो ये है इसके अंदर। थैंक्स।